बदर में सिर्फ 313 थे। मैं तुम्हें नौमान के साथ सुलेमान शाह भी दूंगा, यानी एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे हमारे। कुछ पूछ रहा हूं तुर्कुत। भाई वो हमारे हथियार चोरी हो गए। क्या? अब तुम ही बताओ अर्तुरुल, ये देखने के बाद हम कैसे तुम्हारे जंगजुओं पर भरोसा कर लें जो अपने हथियार ना संभाल सकें। उठो मेरे बेटे। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। बताओ मुझे उसका काम तमाम किया? मारना मत इसे। मैंने तुम्हें मना किया था। क्या हो रहा है वहां? बहुत कुछ सीखा है आपके शहर से अमीर मुअज्जम। सिर्फ अपने हथियारों की ही नहीं बल्कि अपनी जानों की भी हिफाजत खुद करना होगी। कौन है ये नासिर? सलीबी जासूस। क्या खबर लेकर आए हो नासिर? क्या मुतालबा किया उन्होंने अलजीज से? काही कबीले को मौसम सरमा के लिए जमीन दरकार है। ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे। क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। जल्द समझ जाओगे। उन्हें जो इलाका मिलेगा वो सरहद और सलीबी जहाजों के करीब है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला अर्तुरुल और उसके कबीले को खत्म करने का। काही वाले पहाड़ों से नीचे घने जंगलात में सर्दियां गुजारेंगे जो उनकी जिंदगी की आखिरी सर्दियां साबित होंगी। लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। टाइटस, तुम सोच समझकर फैसला कर रहे हो ना? कहीं नुकसानदेह साबित ना हो। जैसा मैंने कहा वैसा ही करो ना सर। इसका पीछा करते रहना, नजर रखो इस पर, उसके हर इकदाम की खबर दोगे मुझे। ये कबूतर ले जाओ अपने साथ।
तुम अचानक से काय कबीले के लिए मोहतरम हो गए, मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। सुलेमान शाह अपना जमाने तिजारत हमारे हवाले नहीं कर रहा, हमारा यहाँ आना बेसुध रहा। मुझे काफले की तैयारी में तुम्हारी मदद चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से, ये तरीका ठीक नहीं है अफसिन। मेरे एहसानात को क्या भूल गए हो तुम? जब तुम भूखे मर रहे थे मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुम पर कर्जा है मेरा, धोखा नहीं दे सकते तुम मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बड़ी नामुमकिन सी बात लगती है मुझे कि एक बेहतरीन ताजिर इतनी बेहतरीन तलवारबाजी भी कर सकता है। बहुत बहादुरी से लड़े आप इतने जख्मी होने के बावजूद, और वो गजनफर का साथी भी बिल्कुल आपकी तरह है। अगर मैं अच्छा ताजिर होता तो इस तरह दरबदर अपने बच्चों के साथ कभी ना भटकता। और जहां तक बात है तलवारबाजी की तो वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये कर्ज चुका देंगे आपका। एहतियात करनी होगी आपको नुमान अफंदी, दुश्मन बहुत हैं आपके। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, कर्ज अदा करूं तुम्हारा? मैंने दिन रात तुम्हारे लिए काम किया और तुम कह रहे हो कि कर्ज उतारूं तुम्हारा? दफा हो जाओ यहां से वरना जान से जाओगे। दफा हो। एक ताजिर है और दूसरा काफिलों को रास्ता बताने वाला, और दोनों ही बला के तलवारबाज हैं। अच्छे लगते हो तुम दोनों एक साथ। कारातोगर का इस कबीले में जो जासूस है वो यकीनन यही आदमी है। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हरकत है ये? रुको, ठहरो। गुनाह कर रही हो ये तुम, अल्लाह के कामों में दखल ना दो। मैं चाहती हूं कि हमारे यहां औलाद हो जाए और सब कुछ बदल जाए। उदास मत हो, अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं। अल्लाह जरूर हमारी सुनेगा, समझी? तुम्हारी वालदा हलीमा के सर पे ताज रखने वाली है जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा। सिलजान, खुदा के लिए बस कर दो। तुम्हें कुछ नहीं मालूम तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तुम जानते भी हो हलीमा को किन अलकाबात से नवाजा जा रहा है। उन्हें तो सारे जहान में बस वही नजर आती है। मुझसे तो ऐसे दूर भागती है जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं मेरा। मुझसे मुलाजमत वाला सलूक किया जाता है, पता ही क्यों? क्योंकि मैं अभी तक उन्हें इस कबीले का वारिस नहीं दे सकी हूं। सेलजान, तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो। उनकी सोच इतनी छोटी नहीं हो सकती। मुझे सब मालूम है उनकी सोच कितनी छोटी है। बस कर दो, मैं रवाना होने से पहले तुम्हारा ये रोना धोना नहीं सुनना चाहता, समझ आ गई? खुदा के लिए मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हलीमा हम लोगों के दरमियान दरारें डाल रही है और इसका तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं। या अल्लाह, सब्र अता कर मुझे।
گندوگدو کا غصہ ختم ہو گیا, شکر ہے اللہ کا. قافلے کی رہنمائی جچتی ہے اس پر جس طرح لکڑی کاٹنا جچتا ہے اس پر. انشاءاللہ اس کی ضد اور انا پرستی بھی ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ حائمہ, انشاءاللہ. قافلے کو بہت جلدی تیار کیا ہے اس نے, معمولی بات نہیں ہے. اپنے قبیلے کی بہتری کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتا وہ. اللہ اس کا مددگار ہو. مگر مگر کیا؟ نہیں کچھ نہیں. حائمہ کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے آج کل. گھبراؤ مت, دونوں باخیریت واپس آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. حلیمہ چلو چل کر کھانا کھاتے ہیں. آئی کس بس میں یہ نپٹا لوں پھر آتی ہوں. ٹھیک ہے, میں انتظار کر رہی ہوں تمہارا. باجی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ارے یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے. لیکن یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہیں آپ. میں تمہیں اس چڑیل سے بچانا چاہ رہی ہوں. آخر آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ کے ایسا کرنے سے نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا. گوگچے تم نہایت ہی احمق لڑکی ہو. تمہیں ابھی تک برائی کی اصل جڑ کا اندازہ نہیں ہو سکا ہے. تمہیں تب اندازہ ہوگا جب ارطغرل اس سے شادی کر بیٹھے گا. اجازت دیجئے بھائی. بھائی ہم نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا, بہت شرمندہ ہیں ہم. خیال رہے دوبارہ یہ غلطی نہ ہو, ورنہ مجھ سے معافی مانگنے کی بھی فرصت نہیں ملے گی. جناب سلطان العزیز نے آپ کو بلوایا ہے. آؤ بہادر نوجوان آؤ. میں تم سے کل رات ہونے والے واقعے کی معافی چاہتا ہوں. یہ جس کی بھی سازش تھی ہم اسے ڈھونڈ کر میرے محترم چچا کے کہنے کے مطابق قرار واقعی سزا دیں گے. چچا جان ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں رہنے کے لیے سرسبز زمین مہیا کی جائے, اور اس زمین کے بارے میں ناصر تمہیں بتائے گا. یہ جگہ دیکھیے, دیار آسی کے مغرب میں. میں نے سنا ہے کہ یہ زمین زرخیز ہے بہت, دشمن کے معاملے میں بھی. یہ علاقہ تمہارے دشمنوں کی سرحد کے بالکل قریب ہے. پھر تو شیطان کو قریب سے پچھاڑنے میں مزہ آئے گا.
दुश्मन की वजह से कोई मसला तो नहीं होगा तुम्हारे कबीले के लिए? चौकन्ना रखती है दुश्मन की मौजूदगी, यही तो जिंदगी है। बहुत खुशी हुई मुझे तुम्हारी बात सुन के। मुझे पहाड़ों के सर फिरे बहादुर बहुत पसंद है, मतलब के अपनी जिंदगी को मौत की आंखों में आंखें डालकर जीना चाहते हो तुम। अगर तुम्हारी शैतान को पछाड़ने की इतनी ही ख्वाहिश है तो तुम्हारे हौसले की तारीफ करते हैं। तुम्हें नई सरजमीन मुबारक हो बहादुर नौजवान। तुम्हारी बहादुरी से काफी मुतासिर हुए हम। आप दुश्मन की फिक्र ना करें, वो हमारा मसला है। हम खूब जानते हैं कि दुश्मन से कैसे निमटना है। क्या तुम अब तक गोगचे की बात से परेशान हो अलीमा? नहीं तो मेरा क्या ताल्लुक उस बात से? यह अर्तुरुल और उसका मामला है। झूठ बोल रही हो ना मुझसे? मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा कितना गहरा ताल्लुक है इस बात से। आई गेस छोड़ो ये बातें और काम पर ध्यान दो। ठीक है, मगर देखो तुम उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। उसके जो मुंह में आया उसने कह दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, और फर्क पड़ेगा भी क्यों? आई गेस ये रंग कैसे आ गया इन पर? ऐसी तो कोई चीज नहीं डाली थी हमने इसमें। हलीमा, कौन कर सकता है ये? खैर, हर मुश्किल का हल निकल आता है। काफला जाने वाला है, हम क्या करेंगे? करना तो पड़ेगा आइकिस, हर सूरत में करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तैयारी करो। अपने नए घर की जमीन को देखने की तैयारी। क्या सच कह रहे हैं आप? यानी वो मान गया? हाँ बिल्कुल, ख्वाब नहीं देख रहे हम। तेरा शुक्र है, शुक्र है। सुनो, ख्याल रखना, मेरे यहाँ आने का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। घबराओ नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, खास तौर पर सुलेमान शाह, वो नहीं जान पाएगा। ये रहे बाल, गुंदुगदू के बाल ले आई हूँ तुम्हारे कहने के मुताबिक। तुम बहुत बड़े बाप की बेटी हो सुलजान, तुम्हें ये छोटी छोटी बातें जेब नहीं देती। जो कुछ तुमने सोचा है वो सब कुछ पूरा होगा। तुम्हारा शौहर तुम्हें बंजर जमीन की तरह समझता है। गलत है ये। अपनी नाकामियों पर नादिम मत होना सिलजान, एक दिन सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। मेरे मौकल तुम्हारी औलाद को दुनिया में ले आएंगे। तुम अपने शौहर को एक वली है दोगी जो काए कबीले का नसीब बदल देगा। हमजा, हमें कल सुबह ही निकलना होगा। तमाम सिपाहियों के हथियारों को अच्छी तरह जांच लेना तुम। जो हुक्म आपका। रवाना हो रहे हो? जी इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि तुम्हें काफिले के साथ इन हालात में नहीं जाना चाहिए गुंदोगदू। क्यों, क्या हुआ? कारा तो अगर अपनी जेब मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, शैतानी दिमाग है उसका, वो हमला भी कर सकता है। तुम सरदार के बेटे हो, अर्तुरुल भी यहां नहीं है, बाबा बीमार हैं। बेहतर होगा कि तुम यहीं रुक जाओ कबीले में।
मतलब मैं अपने ऊपर बुजदिली का दाग लगवा लूं कबीले में रुककर, अतराफ पर नजर डालें, इन सब ने अपने सामान तिजारत के लिए मुझ पर भरोसा किया है, क्या मैं यहां रुककर इनका मान तोड़ दूं? और अगर कारा तोयगर ने कोई हरकत की तो मुझे भरोसा है हम उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, सब कुछ तैयार है हिमा खानम, गोगचे ने कालीन भी रख दी है। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, इंशाल्लाह बाजार में इनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। ये मैंने खास तौर से आपके लिए बनाया है हिमा खानम। मेरी प्यारी बेटी बहुत अच्छा है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश खुर्रम रखे। तुम अकेले इतने सारे काम कैसे कर लेती हो? इसने दिन रात एक कर दिए थे हिमा खानम। माशाल्लाह। हलीमा अब क्या होगा? ये क्या किया तुमने हलीमा? शायद हमने बहुत कम गोबर इस्तेमाल किया था, हम फिर कोशिश करेंगे। जितनी कोशिश करनी थी कर ली तुमने, सुबह तक तैयार नहीं कर सकती तुम्हें से। हिमा खानम आप फिक्र ना करें, हम रात भर मेहनत करके निपटा लेंगे ये काम सुबह तक, आप हमें एक मौका दे दें। ठीक है, कोशिश कर लो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खुशामदीद इब्ने सरदार, हम वापसी से पहले इब्नुल अरबी से मुलाकात के लिए आए थे, उनसे मिलवा दें। हजरत तो जा चुके हैं, क्या आपकी मुलाकात नहीं हुई उनसे? लेकिन कहां? अल्लाह बेहतर जानता है। मैं उनसे कहां मिल सकता हूं दोबारा? कुछ नहीं कह सकते, मगर उन्हें ढूंढना जरूरी है बहुत। ढूंढा उन्हें जाता है जो खो जाए, आपको जरूर मिलेंगे वो कहीं। अब इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है टाइटस? तुम अपने भाई बिसोल का बदला लिए बगैर वापस आ गए और काई कबीला और मजबूत हो गया। मैंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। दुरुस्त फैसला किया है तुमने? हाँ, मुझे तुमसे इतनी बड़ी हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। उस्ताद, मेरी समझ से बाहर है कि आपका खौफ अर्तुरुल है या फिर उसके साथ आने वाला वो आदमी इब्नुल अरबी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ताना देने की? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुर्कों को हम अपनी सरहद के करीब भी नहीं भटकने देंगे, हर किस नहीं। अगर तुम इंतकाम का इरादा रखते हो तो तुम्हें एक और मौका मिल सकता है जान बख्शी के लिए। इनकार की सूरत में याद रखना, जान से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें।
या अल्लाह सुभान तेरी कुदरत, कितना हसीन नजारा है ये। हाँ, जन्नत है बिल्कुल ये जगह, और लगता है कि जहन्नुम भी साथ ही है। बिल्कुल, ये इलाका दुश्मन की सरहद से जुड़ा हुआ है। सलीबियों का खुफिया किला भी इन्हीं पहाड़ों के दरमियान होगा। शैतान हर जगह मौजूद है तुर्गुत, हमारे दरमियान, हलब में, हर जगह। बहुत मजा आने वाला है, बहुत। माशाअल्लाह भाई, यहाँ पानी भी वाफर मकदार में होगा। मैंने आज से पहले इतनी हरियाली नहीं देखी अपनी जिंदगी में। यहाँ हमारी नस्लें परवान चढ़ेंगी और हमारे कबीले को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। मगर मैं हैरान हूं कि ये जगह अब तक गैर आबाद कैसे है। इसलिए कि ये जहन्नुम के बिल्कुल पास है तुर्कुत। मगर भाई, आखिर वो आपको क्यों मारना चाहते थे? मुझे लगता है वो उन सलीबी सिपाहियों का बदला लेने आए थे जिन पर हमने हमला किया था। जी भाई, ठीक कहा। वो यहां भी चैन से रहने नहीं देंगे। छोड़ो ये बातें, अपनी शादी की फिक्र करो तुम। यहां आबाद होने के बाद आइकिस और तुम्हारी शादी का जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह। भाई, आइकिस के ख्यालों से निकलो। बहुत मजा आएगा। भाई, आप भी यहां अपनी शादी के बारे में सोच सकते हैं। हमारा परचम सर बुलंद रहेगा और काई कबीले की मंजिल जमीन नहीं आसमान होगा। हमारे हथियार हमारे साथी होंगे जो जालिम के खिलाफ उठेंगे, और यह परचम सारी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला करेगा। पहाड़ों और समंदरों की वुसत तक रब की हक्कानियत का पैगाम पहुंचाएंगे। कब्र खुद खो दिया तुमने। तुम हलब से हमारा पीछा कर रहे हो। कौन हो तुम? बताओ किसके कहने पर आए हो यहां? बोलो। ये तो जहन्नुम वासिल हो चुका है। ये पैगाम रसाने वाले कबूतर हैं,
इन्हें इनके मालिक की तरफ भेजना होगा। शुक्र है तेरा। मेरी दुआ सुन ली। तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम मेरे पास अपने बुरे वक्त का मुदावा करने के लिए आए हो पिट्रोशियो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस इब्ने अरबी अंदलुसिया वाले की उस बकवास को मान लूंगा जो उसने हमारे मुतालिक घड़ी है मेरे प्यारे भाई जुवानी? मैं तुम्हारा भाई नहीं, मेरा नाम उमर है। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि आज तक इब्ने अरबी ने जो कुछ कहा है वो सब कुछ सच साबित हुआ है। ये टूटे सितारे अपने नेक बंदों की रहनुमाई करते हैं। तुम्हें लगता है कि ये रेवड़ हाँकने वाले जो मंगोलों से भागते फिर रहे हैं दुनिया फतह कर लेंगे? सबसे पहले वो तमाम मुस्लिम उम्मा को एक परचम तले जमा करेंगे। उनकी ताकत तुम जैसे बुजदिल काफरों को तबाह बर्बाद करके रख देगी। पानी की मशकीजें रख लिए गंदूकदू? वहां बर्फ जमी होगी, पानी नहीं मिलेगा। जी रख लिए बाबा, ज्यादा नहीं ले जा सकते, कहीं बोझ की वजह से जानवर ना बीमार हो जाएं। ठीक है, कुछ सामान रह तो नहीं गया? रह गया है, आयकज और हलीमा उनका सामान रह गया है। मैं देख कर आता हूँ उन्हें। हाँ वो आ रही है। माफी चाहती हूँ देर से आने की। सब तैयार है? सब कुछ तैयार है हायमा खानम। क्या कहती हो तुम, काफले में भेजने के काबिल है? एक निकाल के दिखाओ जरा मुझे। पसंद आया क्या तुम्हें? बहुत खूबसूरत है, मेरी सोच से भी ज्यादा। चलो ये भी सामान में शामिल करो, रवाना हो जाओ। फिर Thank you.
आ जाओ। कारवां रवाना हो चुका है। सुलेमान शाह का बेटा गुंदोगदू का यादत कर रहा है। जाओ मेरी बुलबुल, आ जाओ आ जाओ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। शुक्र है खुदा का, हर काम तसल्ली से मुकम्मल हो गया। खुश रहो तुम लोग, तुम्हारी वजह से हमें अपने मर्दों के सामने सुरखुरु होने का मौका मिला। जा सकती हो तुम लोग। सलजान मेरे साथ आओ तुम। काफी अरसे से मैं तुमसे एक मसले पे बात करना चाह रही थी। कोई शिकायत है क्या? बेटी, तुम्हारे वालिद और वालदा के इंतकाल के बाद तुम और तुम्हारी बहन हमारे साथ ही रहती हो और हमारे खानदान का हिस्सा हो। मैंने हमेशा तुम दोनों बहनों को अपने बच्चों की तरह ही समझा है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है हायमा खानम। क्या हमसे कोई गलती हो गई है? अगर है तो बताएं। कोई ऐसी बात नहीं, तुम परेशान ना हो। जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो बहुत मुख्तलिफ है। गोगचे बड़ी हो गई है, बहुत प्यारी बच्ची है, मेहनती है बहुत। अब हमें उसकी शादी कर देना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप, मैं भी काफी अरसे से यही सोच रही थी। मगर किससे करेंगे इसकी शादी? अगर तुम मुझे कुछ समझती हो तो मैं अर्तरुल और गोगचे को इस बंधन में बांधना चाहती हूँ। इससे बेहतर और क्या हो सकता है हमारे लिए? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बहुत अच्छा होगा ये। मैं जानती हूँ कि बचपन से तुमने उसे पाला है, मगर मैं चाहती हूँ कि पहले तुम उससे पूछ लो। मुझे यकीन है कि वो मना नहीं करेगी। मैं अभी जाती हूँ हेमा खानम, मैं अभी पूछती हूँ। Thank you.
हमारा जासूस उनके हाथ लग गया है, पकड़ा गया। इसके पीछे सलमान शाह का बेटा अर्तुगरुल है। तो कोई हमारे इस्तकबाल के लिए भी नहीं आया। हैरत की बात है। सब अपना काम निपटा चुके होंगे, कारवां भी निकल चुका होगा, इसीलिए सब आराम कर रहे हैं। तुम भी आराम करो, मैं बाबा से मिलकर आता हूं। अर्तुगरुल ने हलब से आते ही सबसे पहले इस लड़की को शर्फ़े मुलाकात बख्शा है। ये सब क्या चल रहा है हाय मखाना? क्या मतलब लिया जाए इसका? अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हें इस हाल में देख के। अगर तुम्हारे बाप को कुछ हो गया तो उसकी जगह तुम्हें सरदार बनना चाहिए, तुम में ये काबिलियत है।